अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी ठीक हूँ. और आज का वेदर तो बस उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. धूप भी है लेकिन बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है. इतनी तेज़ नहीं हवा चल रही बट बड़ा अच्छा फील हो रहा है. अच्छा, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, इस तरह से सीन हो रहा है अभी. तो मैं आज आज का जो मेरा दिन है ना, वो टोटली सनलाइट की वजह से ये हो रहा है. ठहरे, हो गया सही. तो टोटली जो है आज का मेरा दिन सफाई का होगा. अभी मैंने बच्चों का वैसे ही वैक्यूम किया है, थोड़ा सा सेट किया है. अभी टेबल देखें कितनी गंदी हुई हुई है, इसको क्लीन करना है. और थोड़े से सॉर्ट आउट किए हैं मैंने उनकी टॉयज वगैरह. फिलहाल अभी इतना ही हुआ है. तो बच्चों का रूम वैक्यूम हो चुका हुआ है, क्योंकि आज इंशाल्लाह आज या फिर कल जो है अम्मी भी वापस आ जाएंगी. फिर अम्मी का रूम जो है उस पर भी बड़ी मेहनत अभी हमने करनी है. तो मैंने सोचा कि अम्मी के रूम पे टाइम लगाने से पहले जल्दी जल्दी है ऊपर जो सब ऊपर के मतलब अपने पोर्शन की सारी मैं आज सफाई कर लूँ और सारा साफ कर लूँ. तो बच्चे अभी तक देखें ये सो रहे हैं. इनके सोने से पहले पहले की मेरी प्लानिंग थी कि मैं थोड़ा सा काम अपना डन कर लूँ, क्योंकि जब ये उठ जाती हैं फिर नाश्ता, फिर इनके कारी साहब और सारा मतलब ये सीन होता है. तो ये साइड तो हो चुकी है डन. किसी दिन मैं आपको डिटेल में इनका रूम दिखाऊंगी, डिटेल में इनकी वार्डरोब दिखाऊंगी, बच्चियों की क्या है कैसे है. और लॉन्ड्री भी मैंने जो है अभी इकट्ठी करना शुरू कर दी है. इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डन हूँ उसके साथ. अब जो नई लॉन्ड्री सारी इकट्ठी हो रही है ना, बस वो भी मैं सोच रही थी कि आज मैं वो भी एक लोड डाल ही दूँ, क्योंकि प्रॉपर अम्मी को जो है थोड़ी सी एहतियात की ऑब्वियसली ज़रूरत है, उनको टाइम भी देना पड़ेगा. तो मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा जो है मैं डीप क्लीनिंग अपनी कर लूँ ऊपर पूरे पोर्शन की, तो उसके बाद जो है फिर आराम से ज़रा टाइम होगा उनको देने के लिए. और उनके रूम की क्या प्लानिंग है, अम्मी के रूम की कोशिश यही है कि उनके आने से पहले जो है असल में मैंने उनके लिए गिफ्ट एक लिया है. गिफ्ट क्या लिया है बता दूं या सस्पेंस रखूं? चलिए बता ही देती हूँ. थोड़ा सा मैंने उनके लिए ऑर्डर किया है, उन फर्नीचर है, कुछ फर्नीचर में से कोई चीज़ है जो मैंने उनके लिए ली है और मैं वेट कर रही हूँ. मुझे डर ये है कि ये ना हो कि वो फर्नीचर बाद में आए और अम्मी पहले ही वापस आ जाएं, मतलब घर अम्मी पहले ही डिस्चार्ज होके आ जाएं. तो अभी मैं होप कर रही हूँ कि आज शाम तक वो डिलीवर हो जाए या फिर कल सुबह में मतलब डिलीवर हो जाए. अगर अम्मी आज ना आए तो चले ये है कि सेट करके उनका रूम प्यारा सा साफ करके डेकोरेट करके, तो बैलून्स वगैरह भी हमने लेने जाना है. अभी हो सकता है कि मैं और मेरे बच्चे अभी हम लोग ये उठ जाएं डन हो जाएं, तो फिर हम वॉलमार्ट भी जाएं, वॉलमार्ट का चक्कर लगाएं, वहां से बैलून्स लेकर आएं और उन फ्लावर्स लेकर आएं, उनके लिए पूरा डेकोरेट करें रूम जो है. और बस अभी तक यही प्लानिंग है. मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया है अपनी तरफ से, मैं का गिफ्ट तो ज़रूर बनता है. इतनी बड़ी सर्जरी के बाद वो वापस आ रही हैं तो फिर ऑब्वियसली वो तो बनता ही बनता है उनके लिए. अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे और खैर खैरियत से घर वापस लेकर आए. तो अब मैं जल्दी से करती हूँ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए. तो ये पोर्शन हो मतलब ये रूम हो गया है. अब अपना रूम करना है मैंने जल्दी से. और फिर मैंने आज ये सारी स्टेयर्स भी करनी है, सारी वैक्यूम करनी है. बहुत अरसा हुआ ये वैक्यूम हुई ही नहीं है, क्योंकि बस की नहीं मैंने, मतलब ध्यान ही नहीं गया स्टेयर्स की दफा तरफ. अभी मैं ऊपर आ रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा ना जैसे डस्ट और छोटे छोटे कोई गंद नजर आ रहा था, तो मैंने कहा आज मैं इनको भी डन करती हूँ. तो चले अब मैं जल्दी से है ना अपना रूम जल्दी से साफ करती हूँ. ये देखें अभी मैं स्टार्ट कर दिया हुआ है. बच्चों को उठाती हूँ, पहले तो मैं विंडोज वगैरह पीछे कर रही थी ताकि थोड़ी रोशनी आए और ये लोग फिर उठे. अच्छा, हमारा यहाँ पे पता है क्या सिस्टम होता है? हमारा यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि सर्दी होती है फुल, ठीक है, सर्दियों में भी हमें ना आदत पड़ी हुई है, जैसे पंखे की आदत पड़ी हुई है. तो हम लोग अपना फैन ये देखे छुपा के रखा हुआ है इधर, ये बेचारा फैन छुपा हुआ है, इस तरफ आवाज के लिए ऑन होता है. बस सोना हो तो ये फैन ऑन हो जाता है, उठना हो तो फिर ये फैन ऑफ हो जाता है. बस इस बेचारे का इतना ही काम है. साथ के साथ ये जो है मैंने फ्रॉक्स जन्नत नूरी के कुछ ड्रेसेस थे, ये मैंने ऐसे ही हैंड वॉश किए थे तो अब ये ड्राई हो गया. मैं इनको पहले तय कर लूँ, ये साइड पे कर लूँ, साथ साथ मेरी आवाज़ से ज़रा ये बच्चियाँ भी उठ जाएंगी.
इनको मैं हैंग करती हूँ और फिर जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं। अभी वैसे टाइम हुआ है 10:30 होने वाले हैं, अभी बहुत टाइम है। अच्छा जी, ड्रेसेस हैंग हो गए, इनको मैं रखती हूँ इनकी जगह पे। ओके, और इसके बाद सबसे पहले मैं अपनी चाय फिनिश करूँगी, जो मेरी सुबह की जो है ना चाय ऐसी पड़ी रहती है, दोबारा गर्म करके लेकर आई हूँ। अच्छा जी, ये हो गया काम। अब ये जो चाय मैंने रखी है ना इधर, जो बेचारी पता नहीं कितनी दफ़ा गर्म होती है, देखें हाफ कप अभी पड़ा हुआ है, इसको पहले मैं फिनिश करती हूँ और फिर साथ में नेक्स्ट क्या करना था मैंने उसके बाद, उसके बाद इन उंगलियों को उठाना है। अच्छा जी, उसके बाद मैं कह रही थी कि ये करना है कि इनके कपड़े निकालती हूँ। आज थोड़ा वेदर अच्छा है तो लाइक गर्मी गर्मी आई थिंक यहाँ से रहने दो। अच्छा, यहाँ पे इनके मैंने बस ऐसे ही थोड़े मिक्स ना कुछ फ्रॉक्स रखी हुई, अब ये भी हैंग करने वाली, जैसे अभी साइड पे कर दी थी। एक्सक्यूज मी, ये जैसे जैकेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ी रखी हुई हैं, शलवार कमीज़ें जितनी भी इनकी हैं देसी क्लोथ्स, ये सारी शलवार कमीज़ें बीच में एक आधी मेरी भी मिक्स हो जाती है, दुपट्टे शुपट्टे जब मुझे नहीं कहीं समझ आती तो फिर मैं इधर ही इसको घुसा देती हूँ, और जब कभी नहीं कुछ दिल करता प्रॉपर जगह पे रखने का तो ऐसे ही फिर यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा जी, तो ये मोस्टली जितनी भी इनकी ड्रेसेस है माशाल्लाह माशाल्लाह वो गिफ्ट मिले हुए इनको बर्थडे पे, ईद पे, लाइक सब कुछ। डिटेल में किसी दिन मैं आपको इनकी सारी वार्डरोब दिखाऊंगी, कौन कौन से ड्रेसेस हैं, कैसे हैं, इसमें सारे इंडियन ड्रेसेस हैं और पाकिस्तानी जो सलवार कमीज़ हैं सब इसमें मैंने बंद किया हुआ है। हर ईद पे मैं ये खोल के ना और ये बैठती हूँ और इनको मैं मतलब चेक करती हूँ कि किस तरह से कपड़े आप पूरे आए हैं या नहीं, सारे नए ड्रेसेस पड़े हुए मोस्टली। बाकी ये सारे जो भी ड्रेसेस हैं ये सारे यहाँ पे हैं, किसी दिन आपको डिटेल में दिखाऊंगी। अभी चलते हैं जो मैं कर रही थी उसकी तरफ चलते हैं। पहले ये होता था कि एक साइड मैंने नूर की होती थी, एक साइड जन्नत की होती थी, अब माशाल्लाह से दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हो चुकी है तो कोई भी किसी को भी पूरा आ जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन अब लड़ाई होती है बड़ी ज़्यादा, उसकी वजह है ये है लड़ाई की कि अब जैसे ये शर्ट है ना इसमें पापा कॉल की टीम बनी हुई है तो मेरे पास ऐसी दूसरी नहीं है, अब मैं वो ढूंढ रही हूँ कि कुछ ऐसी शर्ट मिले मुझे अच्छी सी जिससे दूसरा बच्चा भी जो है वो खुश हो जाए। फिलहाल इसी से काम चलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो और बहुत ऑप्शन है। अच्छा ये देखें, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी फ्रेंड है वो लेकर आई थी ईडी इनके लिए ना, न्यू जनक के लिए, मतलब ईद के बाद आई थी तो ईडी लेकर नहीं थी। अच्छा दो ही मैं लगते हैं दोनों ये अलग अलग, एक नूर का एक जन्नत का। कल रात को मैं नहीं परसों रात को मैं क्या कर रही थी, सारे ना वो अम्मी का जो बैग लिया था उसके लिए मैं कैश निकाल के साइड पर कर रही थी, तो सारे मैं इकट्ठे कर रही थी पैसे, जो जो ईदियाँ मिली थी जो जो सब कुछ मिला था तो मैं सब निकाल रही थी, तो मैंने वो लास्ट दो एनवेलप रह गए थे उसमें से मैंने निकाला एक निकाला और साथ में दूसरी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी तो वो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने ना जितने भी एनवेलप इकट्ठे हुए थे हाथ में वैसे फिर उसको स्टार्ट करके फाड़ फूड के गार्बेज कर दिया। अच्छा फोन बंद किया, बातें खत्म हुई, उसके बाद मेरे एकदम रिकॉल हुआ, मेरे माइंड में आया कि ओ माय गॉड मुझे लगता है मैंने सिर्फ एक ही इस $20 का जो है नोट निकाला, दूसरा नहीं निकाला, मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। अच्छा जब मैंने फटाफट गार्बेज के ऊपर ही पड़े हुए थे पेपर्स जो अच्छा पेपर सारे और भी बहुत सारे बिल्स वगैरह थे वो भी मैंने स्टार्ट किया हुए थे फेंक हुए थे, उसमें से जब मैंने निकाला तो उसकी ये हालत थी, ये देखा इतने उसके पीसेज हुए हुए थे और मुझे इतना दुख हुआ। अब मैंने इसको बस जाके यहाँ रखा हुआ कि मुझे इससे सबक मिले थोड़ा सा कि इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं, केयरफुली देख के सारे काम करते हैं। तो अब ये मैं रखा हुआ था शायद मेरे हस्बैंड को तरस आया, वो देखें और उसको जोड़ते हैं कुछ करते हैं, तो फिलहाल तो इसकी स्टोरी यही है अभी तक, बेचारा ऐसे ही है।
फ्रेशन अप होके कपड़े पहने, तारीफ का टाइम हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा ये जो ड्रेसर है ना, मेरे ड्रेसर को पता नहीं क्या हुआ, ये जो वाइट वाइट सा ऐसा लगता है जैसे पेंट सा उतर रहा है, देखें, बट आई डोंट नो ये किस चीज़ के साथ हुआ है। एनीवेज, इसको मैं डिसइंफेक्टेड वाइप्स के साथ क्लीन करूँ और फिर दोबारा से जो है सेट करूँ। ये मेरे नेम का लेटर, मुझे गिफ्ट मिला था लास्ट बर्थडे पे। बल्कि क्लीन करके मिलती हूँ आपसे, है ना। अच्छा जी, मैंने डस्टिंग तो कर ली है यहाँ की भी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक ड्रेसर था, ये असल में मेरी बिजनेस टेबल है। मैं आपको बताऊँ अगर सीरियसली, सारे ड्रॉर्स में जो भी मेरी ज्वेलरी वगैरह मैं सेल करती हूँ वो मैंने सेट की हुई है। ये मेरी चुनियों मुनियों की ज्वेलरी है, रिंग्स हैं, आपको मैंने दिखाया था इनको जो प्रेजेंट्स मिला था, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ मेरे वो ज्वेलरी रैक में है। ये भी सारा मिक्सअप सारा जो है सामान पड़ा हुआ है। ये भी ज्वेलरी बॉक्स पहले मेरा होता था, अब मैंने इसमें बच्चियों की ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन अब भी आपको ये खाली मिलेगा, बिल्कुल खाली। ये देखें, सिर्फ एक सीजर लटकी हुई है। कल असल में ये हुआ है, इन्होंने सारी ज्वेलरी निकाल के पैन पून के और फिर पता नहीं कहाँ की है। तो ये वो है जी सैम्पल में ही ज्वेलरी का जो मैं सेल करती हूँ। और ये मेरा लैपटॉप है जो मेरा पूरा जिस पे वर्किंग होती है सारा। ये ड्रॉअर्स हैं, किसी दिन मैं आपको डिटेल में ना अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी। सारी मैंने रखी हुई है, मेजरमेंट टेप रखी हुई है, स्कॉच टेप रखी हुई है, पैकिंग टेप है, पेन है, लाइक जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हैं। ये सारे रैक्स में जो है ना ज्वेलरी ही ज्वेलरी है, पैकिंग की वो सब मतलब मिक्सअप है। तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन डिटेल में दिखाऊंगी। और सबसे पहले ये मेरा जो पेज है माही नूर व्लॉग्स एंड ज्वेल्स, ये प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पेज है ये मेरा, इसमें सारी मेरी जो ज्वेलरी की डिटेल है वो भी है, जो जो मेरी शॉप मैंने बनाई हुई थी वो ऐड की हुई है मैंने अपनी ज्वेलरी आइटम्स। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, मार्केट प्लेस में बहुत अच्छी चीज़ें चली जाती हैं। और इंशाल्लाह मेरा प्लानिंग है अमेज़ोन का भी, एक दफ़ा ये स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद, और जो भी व्लॉग्स वगैरह बनते हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ लिंक ईज़िली। और ये देखें, ये सारी शॉप है, इसमें कुछ आइटम्स अभी मैं स्लोली स्लोली ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, ये जी मेरी शॉप है, ऑनलाइन जो भी चीज़ें वगैरह ज्वेलरी है, कुछ हल्की फुल्की मेकअप की आइटम्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं, मोस्टली ज्वेलरी है जो मैं करती हूँ। तो ये भी आप सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद यूट्यूब चैनल जो मेरा है वो भी है माही नूर व्लॉग्स के नाम से। तो ये आप इस तरह से करिएगा, नूर जन्नत की पिक्चर है, ये भी प्लीज़ ना आप सब्सक्राइब कर लें। और इसमें भी सारी कुछ ज्वेलरी की भी मैंने डाली हुई है, बाकी जो भी व्लॉगिंग श्लॉगिंग होती है वो सब है। तो चलिए जब बैक टू वर्क होते हैं, क्लीनिंग की तरफ आते हैं। ये तो हो गया डन, वो भी हो गया डन, और अब बच्चों को उठाती हूँ और फिर वैक्यूम जो है ना स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, ये देखें रूम तो सारा क्लीन अप हो गया, बच्चे भी उठ गए, बस अब इनको रेडी मैंने करना है, अभी इन खेलने लग गई हैं, मस्ती हूँ मैं अपनी। और कारी साहब आएंगे 12:30, तो अभी बहुत टाइम है। ये देखें सारा रूम क्लीन हो गया, ये वाला डन हो गया, डस्टिंग हो गई, डीप क्लीनिंग हो गई, वैक्यूम हो गया। और इसको मैं अब कर देती हूँ बंद, प्यारी प्यारी सी हवा चल रही है वो चलती रही। बच्चों का भी डन हो गया था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अब मैं चलती हूँ नीचे। फिलहाल सारा काम मैं नीचे जो है ना, कपड़े भी जो मेरे हाथ में आते रहे वो मैं फेंकती रही हूँ, लॉन्ड्री स्टार्ट करती हूँ।
और साथ में अब ये स्टेयर्स जो है ना, इनको भी सारा करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ।